तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ये तैयारी अगर करना है आपको तो जो समय मिले ना उसका सही से सदुपयोग करना आना चाहिए। हर नौकरी और रात भर तैयारी? हाँ, दिन में जॉब और रात में पढ़ाई। इस बार सिलेक्शन मिला मुझे। अच्छा, बीपीएससी भी 64वीं में आप सिलेक्शन कर ले, अधिकारी बन गए थे, लेकिन तैयारी नहीं रुकी? हाँ, तैयारी इसलिए नहीं रुकी कि बैंक जब हम छोड़े थे तो एक ही लक्ष्य था कि एसडीएम बनना। बीपीएससी 67वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में कई एक लोग काफ़ी स्ट्रगल करके अपने मुकाम को पाया है। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, अमित कुमार, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और काफ़ी स्ट्रगलपूर्ण इनकी कहानी है। पिता प्राइवेट जॉब करते थे, घर के बड़े लड़के थे तो जिम्मेदारी थी, 2007 में ही बैंक में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद विभिन्न बैंकों में कई एक वर्षों तक काम करते रहे, स्टेट बैंक में भी काम किए, इसके बाद एजी ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर बन गए। इसके बाद भी तैयारी नहीं छोड़ी और 64वीं में प्रोबेशनरी अफसर बन के मुजफ्फरपुर जेल में इनकी प्रतिनियुक्ति हो गई। इसके बाद भी तैयारी नहीं छोड़ा और 67वीं में 51 रैंक इनका आया है और एसडीएम बने हैं। अमित हमारे साथ हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। काफ़ी आपने संघर्ष किया है। हाँ, थोड़ा लंबा रहा है संघर्ष, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी समर्पित होने, हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया था बीच में, बट मैं कंसिस्टेंटली प्रयास कर रहा था। अच्छा, जॉब के साथ साथ, क्योंकि जो भी जॉब है आपका काफ़ी टफ था, बैंकिंग में था, जेल में अभी वर्तमान में है, तो ऐसे में तैयारी, जॉब और तैयारी, नौकरी और तैयारी कैसे करना है? देखिए, तैयारी अगर करना है आपको तो जो समय मिले ना उसका सही से सदुपयोग करना आना चाहिए। तो समय मुझे दिक्कत होता था बीच में ही, कभी कभी रात को थोड़ा देर रात तक जगना पड़ता था, और सुबह दिन भर नौकरी और रात भर तैयारी। हाँ, दिन में जॉब और रात में पढ़ाई। और शादीशुदा भी हैं, परिवार की जिम्मेदारी, सामान्य साधारण फैमिली से हैं, तो ऐसे में कैसे कर पाए? देखिए, बैलेंस बनाना तो कब हुआ? 2007 में ही हुआ था मेरा, विजया बैंक में। उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशन ऑफिसर बने, तो बैंकिंग में माना जाता है स्टेट बैंक का जॉब सबसे अच्छा होता, तो मैंने स्टेट बैंक पीओबी फाइनली बना और 2009 से 2013 तक कार्य किया। उसके बाद मैं डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर में ज्वाइन किया ताकि मुझे थोड़ा समय मिल सके बीएस का तैयारी करने के लिए, बीपीएससी का तैयारी करने के लिए। फाइनली मैं इस बार सिलेक्शन मिला। अच्छा, बीपीएससी भी 64वीं में आप सिलेक्शन कर ले, अधिकारी बन गए थे, लेकिन तैयारी नहीं रुकी? हाँ, तैयारी इसलिए नहीं रुकी कि बैंक जब हम छोड़े थे तो एक ही लक्ष्य था कि एसडीएम बनना है, लेकिन बन नहीं पा रहे थे उस तरह का। शायद मेरा प्रयास में ही कहीं कमी रहा होगा, तो रैंक उतना अच्छा नहीं रहा था। बट दिस काफ़ी साधारण परिवार से थे, पिताजी भी काफ़ी प्राइवेट जॉब करके बच्चे की पढ़ाई की है, और आप लोगों ने भी जी। कितना संघर्षपूर्ण रहा आज तो अधिकारी बन गए, क्या कहेंगे दूसरे लोगों के लिए जो लोग नौकरी पा लेते हैं, परिवार में लग जाते हैं? देखिए, जब आदमी जॉब ज्वाइन कर लेता है तो उनको थोड़ा सा इकोनॉमिकली वो थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में वो अपना लक्ष्य को थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि वो तैयारी जिस चीज़ के लिए शुरू किए थे उसमें वो लग नहीं पाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी और बच्चे हैं, सबसे पहले इससे बात, क्या नाम है? अयाज। पिताजी तो बड़े अधिकारी बन गए, आप क्या बनोगे? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ। पिताजी तो पढ़ते थे, पढ़ते हुए देखते थे तुम? हाँ। कब पढ़ते थे? ऑल द टाइम। अच्छा अच्छा, माँ है और इनकी पत्नी है। आप बताइए। एक हाउस वाइफ थी, जॉब में थे और तैयारी भी करते थे जी। इस तरीके से चलता था पूरा परिवार, क्योंकि समय तो कम दे पाते होते घर परिवार में। हाँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा सपना था कि इनका सपना पूरा हो। आपका सपना था कि बड़े इनका सपना पूरा हो, क्योंकि सपना पूरा हो गया। हाँ, मतलब आज मेरे पास सही, अभी इनको भी बोले, मेरे पास वर्ड ही नहीं है एक्सप्लेन कैसे करें कि मतलब ऐसा कैसे तैयारी करते थे। आपने एज ए गार्डियन इनकी सहयोग किया, पूरा परिवार की जिम्मेदारी संभाली। हाँ, टोटल वो तो करना ही था ना, क्योंकि इनको टाइम देना जरूरी था। तो ये इस रूम में रहते थे, हम उस रूम में बच्चे को संभाल रहे थे, चार परिवार आपने संभाला। हाँ, वो टोटल हम किए, यानी तैयारी कराया। ये इनसे पूछिए। कितना सपोर्ट इनका मिलता था? सपोर्ट ही नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर शायद इनका सपोर्ट नहीं रहता तो इतना दिन तक तो पढ़ाई संभव नहीं था मेरे लिए। अगर इन परेशान नहीं करती थी, यहाँ चलना वहाँ चलना, ये काम नहीं, इस मामले में ये क्लियर करती कि आप पढ़ाई कीजिए, हम घर देखते हैं, तो इस मामले में ये पूरा सपोर्टिव थे। तो अमित कुमार हैं जो 91 रैंक लाकर एसडीएम बने हैं, पहले से प्रोबेशनरी अफसर थे, जेल में इनकी प्रतिनियुक्ति थी, दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई करते थे। वैसे लोगों के लिए प्रेरणा है जो पहले जॉब के बाद घर गृहस्थी में लग जाते हैं या तैयारी छोड़ देते हैं, सपना पूरा नहीं कर पाते, वैसे लोगों के लिए प्रेरणा है अमित कुमार,
क्योंकि काफ़ी साधारण परिवार से उठकर के पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे। 2007 में ही बैंक में जॉब कर लिए, इसके बाद कई बैंकों में जॉब किए, बीपीएससी 64वीं भी पास की, लेकिन एसडीएम नहीं बन पाए थे, इसलिए 67वीं में परीक्षा दिए और इस बार एसडीएम बन गए हैं। इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।